ऐसी भगवान की अपने को आराधना करना, और ये आराधना करते समय हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि उस पूज्य महापुरुषों के गुणों के श्रद्धा पूर्वक आदर सत्कार प्रवृत्ति करना, ये पूजा होता। और पूजा के बारे में सुबह ही बताया था कि वह अष्टांग पूजा होती है। कौन सी पूजा होती है? अष्टांग भी होती है और नवांग भी होती है, जहां उस प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है, आवाहन किया जाता है, स्थापना किया जाता है, सन्निधिकरण होता है, अष्टद्रव्य होते हैं, जयमाला होती है, और वह शांति पाठ और विसर्जन, ऐसे अष्टांग बताया है। और कहीं कहीं नवांग बताया, उसमें जाप भी शब्द देते, और ये आवाहन हमें यही बताता है कि उस भगवान को आवाहन करके बुलाना है, और भगवान को अत्र अत्र का उच्चारण करते हुए हम जब अवतर अवतर कहते तो यहाँ आइए कहते, और करने के बाद उनको तिष्ठ तिष्ठ ठठ कहते, और वहां उनकी स्थापना कर लेते, और स्थापना करते करते और एक शब्द बोलते, क्या बोलते? सन्निधिकरण। मैंने यहां सामने स्थापना किया, लेकिन जैसे अष्ट कमल के ऊपर मैंने स्थापना किया, लेकिन वही स्थापना मैं कहां कर रहा हूं? हमारे हृदय में, अने और मेरे अति निकट हृदय में विराजमान में, ऐसे करते हुए अष्ट द्रव्य अने के पहले हम उनकी स्थापना करते, और बाद में अर्घ चढ़ाते। आज सुबह बताया था, एक एक व्याख्या बता रहा हूँ। अर्घ यानी मूल्य, अनर्घ यानी अमूल्य। अमूल्य पद को प्राप्त करने के लिए अर्घ चढ़ाया जाता है, और जयमाला बाद में हम करते हैं, और जयमाला जिसकी पूजा की जाती है उनके गुणों की स्तुति को जयमाला कहते हैं, और जाप जो करते हैं कि जिसकी पूजन की जाती है उन परमेश्वर को स्मरण के रूप में हम जाप करते, 9 बार करते, 27 बार करते, कभी कभी 108 भी करते, और बाद में अर्घ्यावली आदि जो भी क्रिया करने के बाद में हम शांति पाठ बोलते, उसके पहले महार्घ बोलते। आज सुबह ही बताया था कि महाअर्घ बहुत महत्वपूर्ण है, कि महाअर्घ में 3 लोग के एक भी प्रतिमा नहीं बचती। प्रत्येक प्रतिमा के लिए क्या होता है? हमारा अर्घ चढ़ता। जब एक भगवान की पूजा करने के बाद इतना पुण्य मिलता है, तो महाअर्घ में हम 16 कारण को, 10 लक्षण को करते करते जितनी प्रतिमा है, कृत्रिम अकृत्रिम जिन जितने भी चैतन्य है, सब चैतन्यों में विराजमान जितने भी भगवान है, अगर आप नीचे पूजन कर रहे, मानस तन में आपने पूजा नहीं किया, लेकिन यहाँ अर्घ चढ़ाते समय महाअर्घ बोल गया तो उनको भी, और वहां ऊपर के शिखर में भी, तो जयशिवपुर में जेले कॉलोनी में बैठने के बाद भी जयशिवपुर में जितनी प्रतिमाएं हैं, पूरे विश्व में जितने हैं, 3 लोक में जितनी प्रतिमा है, वो सब प्रतिमाओं को महाअर्घ के द्वारा हम अर्घ चढ़ाकर कर्मों के निर्जरा करते। जैन धर्म भावना प्रधान धर्म है, हम हमारे भावों को विकसित करते जाते और शांति पाठ बोलते, और शांति पाठ बोलने का लक्ष्य यही होता है कि प्राणी मात्र के कल्याण सुख शांति हेतु जो पाठ किया जाता है उसको शांति पाठ बोलते, और शांति पाठ बोलते समय हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम सिर्फ हमारे लिए पूजन नहीं कर रहे, कि होवे सारी प्रजा को सुख बलयतो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल भरे न व्याधियों का आदेशा। इस शांति पाठ में बहुत उदात्त भावना है हमारी, हमारे लिए सिर्फ पूजन नहीं किया जा रहा, प्राणी मात्र के लिए, अने मनोयोग से हम पढ़ते हैं, और इस पर प्राय हमें देखने में आता है कि शांति पाठ से हम जब भी बोलते हैं उस वक्त कई किलो गड़बड़ करते हैं, जल्दी ले लो, तो शांति पाठ में ही हम गड़बड़ करते। तो जितने शांति के साथ इस पाठ को बोलेंगे और प्रत्येक जीव की कल्याण की भावना बातें, प्रजा से
प्रत्येक राजा के लिए और प्रत्येक नेता के लिए हम भावना गाते हैं। क्या करते, देश का जो भी नेता है, मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है, कई कई नेताओं को जैसे तीन चार दिन से आप सुन रहे, ये जो भी चल रहा है, अगर हम इतिहासों के पन्नों को खोलकर देखेंगे तो ज्ञान होता है कि भारत का इतिहास का मूल कौन है। जैसे कल शिक्षकों के सामने मैंने बताया था कि शिक्षक दिन तो मनाया जाता है लेकिन एक व्यक्ति के नाम से बताया जाता है, लेकिन कल शिक्षकों को पता चला आद्य शिक्षक कौन है, कौन है आद्य शिक्षक, ऋषभदेव है। तो उसी तरह आज हमें बताना पड़ रहा है, हमारे देश में भी हमें बताना पड़ रहा है कि हम देश में रहते हुए भी सिर्फ हमारा कल्याण की भावना नहीं करते, प्रत्येक श्रावक पूजा करते समय संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। हम प्रत्येक जीव के प्रति भावना बाते, प्रत्येक सुखी हो जाए, ये जिनेन्द्र भगवान के सामने अभिषेक के समय अन्य पाठ बोलते समय इतनी भावना भाती, इसलिए थोड़ा सा शांति चल रहा है। और शांति से चलने वाला ये जैन धर्म है, ये किसी से प्रभावित, अभी हमने सुना कि प्रमाण सागर जी ने कहा हमें किसी से उत्तर किसी को देना नहीं है, इसलिए नहीं देना है क्योंकि सत्य जिसके पास होता है, कर्म सिद्धांत को जो जानता है, वह दूसरे से लड़ने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि सत्य कर्म सिद्धांत है। और जिन शासन है इसमें कितना कोई भी अभी तक कितने लोग आकर गए, क्या क्या करके गए, लेकिन जिन शासन सदा जयवंत रहेगा ये इसका नियम है। तो भारत में हम रहते हैं और भारत का इतिहास प्रारंभ होता है आदिनाथ भवनाभि राजा से शुरू होता है, और उनके सुपुत्र जो थे ऋषभदेव के कारण तो प्रजा को जीने की कला मिली, जनता के लिए उपदेश दे दिया क्योंकि कल्पवृक्ष मिलना बंद हो गया, हाहाकार मच गया, तो नाभि राजा के पास जाने के बाद ऋषभदेव के पास उनको भेज दिया और उन्होंने हमें षटकर्म बताया, शिक्षण बताया, और वहां से हमारा इतिहास प्रारंभ हो गया। और ये अनादिकाल का धर्म को इस समय वर्तमान इस तीर्थ में ऋषभदेव से प्रारंभ होगा, और इन्होंने ये कार्य किया। मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, मुझे ये बताना आज रविवार है क्योंकि अकल से विषय नहीं आएगा। और कई लोगों की जो मान्यता है कि देश के लिए कौन कौन काम किए, अगर इतिहास हम देखेंगे, उद्योगपति है, शहीद है, बड़े बड़े नेता है, और स्वतंत्र सेना में जैन समाज ने बहुत बड़ा कार्य किया। मैंने वहां बताया था झांसी की रानी को जब अपने नौकरों सैनिकों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था, तो उसी वक्त एक जैन श्रावक ने वहां ग्वालियर के जो अंग्रेजों का खजाना था उस खजाना में से रात रात से पैसे देकर झांसी को रानी को दिया, तब जाकर झांसी की रानी ने ये युद्ध आदि किया। अगर वो श्रावक बांटिया कुछ नाम है उसका, तो अगर वो नहीं देता था तो झांसी की रानी आगे नहीं लड़ पाती। और महाराणा प्रताप जब उनके पास पैसा नहीं था, जंगल में क्या होते घास, घास को कूट के रोटी बना के खा रहे थे, ऐसे समय अगर भामाशाह अगर पैसा नहीं देता तो महाराणा प्रताप कुछ नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े जहाज बनवाने के जो वालचंद ग्रुप आदि है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए, साहित्यकार हुए हैं, शहीद हुए हैं, सैनिक हुए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति ने कार्य किया क्योंकि वह जानता है कि भारत माजा देश है। क्या करता है, इसीलिए वो प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पहला भारत का नागरिक है, बाद में उसका धर्म है। पहला क्या है, वो भारत का पहला नागरिक माना जाता है,
बाद में कार्य होता, इसीलिए नागरिक होने की दृष्टि से ये श्रावक पूजा करते समय यही भावना भाता है कि प्रत्येक समय पर वर्षा हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति मिले, सिर्फ हमारे लिए सुख शांति नहीं, प्राणी मात्र के लिए सुख शांति मिले। और जो हिंसा की बात किया जा रहा है, इसके लिए तुकाराम महाराज कहते आत्मनारायण सर्वा घटे पशु मध्य का कड़ोनी। जब वो कहते हैं, रामदास स्वामी जी ने कहा, शिवाजी महाराज जी ने भी एक गाय की हत्या करने वालों का हाथ को तोड़ दिया, इतने बड़े बड़े महान पुरुष संत होकर गए, और प्रत्येक का लक्ष्य यही था कि प्राणी मात्र की हिंसा न हो। और यही भावना श्रावक पूजा करते समय भावना भाता है। और हमारे पंच कल्याण में सिर्फ पंच कल्याण प्रतिष्ठा नहीं रहती, और एक आगे शब्द होता है विश्व कल्याण के लिए, क्या रहता है ये पंच कल्याण की पत्रिका में देख लेना, तो पंच कल्याण विश्व कल्याण का यज्ञ महा पूजा ऐसे करते हुए हम जब भी पूजा करते, सिर्फ हमारे लिए नहीं पूजा करते, हमारे साथ भी प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं, और तब ये कार्य होता है। और ऐसी शांति पाठ बोलते हुए सुख शांति का ये पाठ हम प्रत्येक को सुख शांति मिले इसी भाव से करते, और अंत में विसर्जन पाठ बोलते यही भाव हमारे होते कि समाप्ति सूचक है, और पूजन कार्य में अगर त्रुटियां हो तो क्षमा याचना के साथ कार्य समाप्ति तक हम इसको विनय पूर्वक प्रार्थना करके विसर्जन पाठ बोलते, और ऐसे विसर्जन पाठ बोल के हम पूर्ण पूजन करते, और पूर्ण पूजन करते समय हमारे आत्मा की विशुद्धि, क्योंकि जिस प्रतिमा के सामने हम ये अर्घ्य चढ़ा रहे, जिस प्रतिमा को हमने पूजनीय माना, ऐसी प्रतिमा एक हमारे लिए आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि मूर्ति में इतना संप्रेषण है कि अपरिमित ऊर्जा है, यही ऊर्जा या वे क्षमता साधक को अपने परम आत्म तत्व से जोड़ती है। जब भगवान के सामने हम बैठते हैं और अर्घ्य अपने ले लिया, और अर्घ्य चढ़ाते चढ़ाते भगवान को देखे, जब अर्घ्य चढ़ाते तो हमारी भावना कहां तक पहुंचती है, भगवान तक पहुंचती है, और इसके कारण हमारे आत्मा के गुणों को उस अनंत गुणों के साथ जोड़ने की भाव रखते, तब जाकर हमारी कर्मों की निर्जल होती। और ये मूर्ति पूजा हमारे लिए इसलिए कार्यकारी है कि ये मूर्ति हमें परमात्मा बनने का आदेश देती है, ये मूर्ति को देखने के बाद हमें ध्यान का ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है, ध्यान का ज्ञान होता है। जब भगवान के सामने बैठते हैं, जब पूजा करते, उसका मूल प्रयोजन ऐसा ही है कि हमें वैसा बनना है, और जैसे हमें बनना है उसी के अनुरूप मूर्ति होना चाहिए। आपको जो बनना है, अभी दक्षिण में बहुत चर्चा है कुटला देवा से पूजा करे, पहला पूर्व मूर्ति का निर्णय करो। और कोई कोई कहते महाराज इनका अर्घ चढ़ाना क्या उनका चढ़ाना, जिसको जो आपको बनना है उसको अर्घ चढ़ाना, स्त्री बनना है तो स्त्री को चढ़ाना, और परमात्मा बनना है तो किसको पढ़ना पड़ेगा, दिगंबर प्रतिमा को पढ़ना पड़ेगा। और उसके सामने जाकर जब पूजन दर्शन करते हैं तो हमारे लक्ष्य बार बार फिर फिर याद आते हैं। जब भगवान के दर्शन के लिए लोग कहते बार बार क्यों दर्शन करना, शास्त्रों में लिखा है, पद्म पुराण में त्रिकाल वंदना भी होती है, सुबह भी होता है, 12 के भोजन से पहले।